देखो बेटा, नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन बाई एलजेब्रिक मेथड। अब जो बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं उसका सिंप्लीफिकेशन है एलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। तो जरा इसे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय यूजिंग बुलियन एलजेब्रिक लॉज एंड ये होता है कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम की हेल्प से और आपका बुलियन एलजेब्रिक लॉ की हेल्प से, ठीक है, ये आपका रिड्यूज हो जाता है बुलियन एक्सप्रेशन इनटू सिंपलेक्ट फॉर्म, ठीक है। सिंस ईच एक्सप्रेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए नेटवर्क ऑफ लॉजिक गेट्स, जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं वो लॉजिक गेट, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लॉजिक गेट होता है। सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन लीड्स टू सिंप्लीफाइंग द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉजिक नेटवर्क। हम उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लॉजिक नेटवर्क को सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज लेस कॉम्प्लेक्स देन द वन, ठीक है। जब हम किसी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो जो सिंप्लीफाई फॉर्म आती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नेटवर्क होता है वो सिंपल होता है, लेस कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं ना, कम कॉम्प्लेक्स होता है देन द वन विच द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ओरिजिनल एक्सप्रेशन से वुड हैव प्रोड्यूस्ड। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ टर्म्स। अब बता रहे हैं ये कि बुलियन एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है। एलिमिनेशन ऑफ टर्म्स, टर्म्स को एलिमिनेशन करना है एंड लिटरल्स विच कैन बी डन बाई कंबाइनिंग टर्म्स डेलीवरेट इंट्रोड्यूसिंग ऑफ रिडंडेंट टर्म्स लाइक एडिंग एक्स एक्स डैश मल्टीप्लाइंग वाई एक्स प्लस एक्स डैश एडिंग वाई जेड टू एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड और एडिंग एक्स वाई टू एक्स इन द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट ऑलवेज ओबियस विच थ्योरम शुड बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस द सिंपलेस्ट रिजल्ट। जरा देख लो यहाँ कॉन्सेंसस थ्योरम क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्या कहती है ये थ्योरम। थ्योरम इज स्टेटेड एज फॉलोज, एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड प्लस वाई जेड दिस विल इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड। प्रूव कर रहे हैं इसे, एक्स वाई एक्स डेट इसकी एलएचएस ले रहे हैं, एक्स वाई एक्स डेट जेड प्लस वाई जेड, ठीक है बेटा, एक्स वाई एक्स डेट जेड। अच्छा ये वाई जेड है या एक्स प्लस एक्स डेट लगा सकता हूं, क्योंकि एक्स प्लस एक्स डेट मेरा काय के इक्वल होता है तो बन के, तो यहां पे लगा सकता हूं इसे, एक्स प्लस एक्स डेट लगा सकता हूं इस जगह, ठीक है। अब करेंगे आगे सिंप्लीफाई, एक्स वाई एक्स डैश जेड, वाई जेड को अंदर भेज दो एक्स वाई जेड और वाई जेड को एक्स डैश के साथ भेज दो एक्स डैश वाई जेड। एक्स वाई और ये एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा बेटा, एक्स डैश जेड और एक्स डैश वाई जेड आ जाएगा, एक्स डैश वाई जेड आ जाएगा। यहां से मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया, आ गया वन प्लस जेड, यहां से एक्स डैश जेड बाहर आ गया वन प्लस वाई, ठीक है। अच्छा वन प्लस जेड किसके इक्वल होता है बताओ, जैसे एक फॉर्मूला है वन प्लस, बन हाँ के हाँ वन प्लस ए इज इक्वल टू वन। पिछला देखिएगा जब मैंने बुलियन की जो प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें, ऐसे ही वन प्लस वाई ये वन हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई एक्स डैश जेड, यही प्रूव करना था मुझे। क्यों भाई बताएं सर। इसे हम कहते हैं कौन सी थ्योरम है, कंसेंसस थ्योरम, सी यू एन एस ई एन एस यू एस कंसेंसस, ठीक है बेटा। आगे देखो सिंप्लीफाइंग, अच्छा ये तो हो ही गया, अच्छा हाँ ठीक है। सिंप्लीफाइंग द फंक्शन एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई, इसे सिंप्लीफाई करना है बेटा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एफ एक्स वाई
यहां से हमने एक्स कॉमन ले लिया, बन जाएगा बाई डैश प्लस बाई, ये बेटा एक्स डैश बाई आ गया। बाई डैश प्लस बाई क्या होता है? वन वन। तो ये आ गया एक्स इंटू वन एक्स डैश बाई, एक्स प्लस एक्स वाई डैश, इसे लिख दिया एक्स प्लस वाई। इसे एक्स प्लस वाई कैसे लिख दिया? एक्स प्लस एक्स डैश वाई को बताए। ये फॉर्मूला होता है सर, क्या एक्स क्या फॉर्मूला होता है? को एक्स प्लस एक्स डैश वाई हो तो उसकी टर्म को ही एक्स प्लस वाई लिख देते सर, कल आपने बताया था। हाँ मैंने ये कहो ना कि इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक्स को, ठीक है, हाँ एक्स को एक्स प्लस एक्स डैश कर दो, ठीक है, और एक्स को एक्स प्लस वाई कर दो। एक्स भाई प्लस वाई एक्स एक्स को एक्स डैश के प्लस साथ एक्स ऐड डैश कर वन हो दो गया। इनटू, और एक्स को वाई के साथ ऐड कर दो एक्स प्लस वाई, ये वन हो गया, एक्स प्लस वाई रह गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। देखिए सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है, ऊपर उन्होंने कहा है कि ये लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है दैट विल रिप्रेजेंट टू लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं लॉजिक नेटवर्क बनाता हूँ, ठीक है, और इसका लॉजिक नेटवर्क बनाता हूँ, किसका लॉजिक नेटवर्क सिंपल रहेगा बताओ? लॉजिक नेटवर्क किसका सिंपल रहेगा? ला एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई का। तो इस तरह से ये है कि अगर मेरे पास बुलियन एक्सप्रेशन है, थोड़ा टिपिकल है, तो सिंप्लीफाई कर लूंगा भाई एल्जेब्रिक लॉ और बुलियन लॉ से। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा भाई, दोनों है तो इक्वली, ठीक है, चाहे इसे ड्रॉ कर लो चाहे इसे ड्रॉ कर लो। क्यों समझ यस आया? सर। हाँ है तो दोनों इक्वली। चलो ये समझ आया आपको, ठीक है, यहां लिखा भी है हेंस बी नोट दैट द ओरिजिनल एक्सप्रेशन वुड रिक्वायर फोर गेट्स, थ्री ऑफ विच आर एंड गेट्स एंड वन और गेट। जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है इसके लिए हमें एंड और तीन, तो हमें क्या कह रहे हैं, फोर गेट्स की जरूरत पड़ेगी, तीन एंड एंड होंगे और वन और होंगे। व्हाइल द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन रिक्वायर और गेट विच इज द कंसिडरेबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ गेट्स, वही है ये सिंप्लीफाई है, ये ज्यादा इसका लॉजिक नेटवर्क ज्यादा ठीक रहेगा, सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। अब देखो ये गेट्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, लॉजिक गेट हैं क्या, स्विचिंग नेटवर्क और ये और लॉजिक। समझ आया बेटा? बताओ बेटा। चलो देखो, द बुलियन एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू एनी लॉजिक एंड स्विचिंग नेटवर्क, ये बुलियन एक्सप्रेशन होंगे किसी लॉजिक या स्विचिंग नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स, मे बी कंप्लीटली ऑब्टेंड यूजिंग द बुलियन ऑपरेशंस ओ आर और एंड एंड नॉट। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द नेटवर्क, देखो ये नेटवर्क उन्होंने एक लिया है ए बी सी, ये इनपुट है, ठीक है, ये रहे, ये एफ आपका आउटपुट है। जिस नेटवर्क है थ्री इनपुट्स, ए बी सी इनपुट है एंड सिंगल आउटपुट आउटपुट है, यूटिलाइजिंग द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच गेट वन कैन डिस्क्राइब लॉजिक नेटवर्क एल्जेब्रिकली, द एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट आउटपुट विद इनपुट ए एंड बी, ये इनपुट है ए एंड बी, ठीक है, इज रिटिंग ए डॉट बी, एंड गेट का मतलब है ए डॉट बी, द आउटपुट ऑफ नॉट गेट विद इनपुट सी, इस सी इनपुट के बाद जो आउटपुट मिलेगा इज द ऑर,
ये और है सम ऑफ द इनपुट्स, इनपुट्स का सम। दस बी कैन राइट द आउटपुट ऑफ द नेटवर्क एफ इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं ये आपका क्या है देखो पढ़ो, द एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट आउटपुट विद इन विद इनपुट्स ए एंड बी, ये ए और बी का जो भी आउटपुट होगा वो एंड गेट से रिप्रेजेंट होगा और इसे हम क्या दिखाएंगे ए डॉट बी, ये आपका रहा एंड गेट ए डॉट बी। ठीक है एंड गेट का मतलब यहां से क्या पता लगा ए डॉट बी, बताओ बेटा बताओ। यस सर और नॉट का मतलब है कंप्लीमेंट, यहां कह रहे हैं कि द आउटपुट ऑफ नॉट गेट, ठीक है, विद इनपुट सी, जिसका इनपुट सी है, ठीक है, इज रिटन एज सी डैश, तो ये आपका नॉट गेट है, ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है सी डैश से। ठीक है दीज टू आउटपुट्स आर इनपुट ऑफ ऑर गेट, ये ऑर गेट है, ये क्या है एंड गेट, ये नॉट गेट, इन दोनों का आउटपुट कहाँ काय में जाएगा ऑर गेट में, और ऑर गेट का मतलब एडिशन होता है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस सी डैश, ये एफ आ जाएगा। क्लियर, इसे कुछ पूछना है? हाँ द एल्जेब्रिक डेस्क्रिप्शन एट ईच स्टेप ऑफ द लॉजिक नेटवर्क एज फॉलोज, ऐसे इन्होंने बताया ए बी, ये क्या बताया था एंड गेट है, इससे इन आउटपुट क्या मिलेगा ए डॉट बी, क्यों ये नॉट गेट है, ठीक है बेटा। नोट ये कर रहा ठीक है बेटा, तो ये आपका हो जाएगा हाँ ये सीजर्स है। अच्छा ये क्या है हमारा, ये और गेट है, और गेट मतलब इनका हम एडिशन कर देंगे ए डॉट बी प्लस सी का, ये एफ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है यस सर कंसिडर द नेटवर्क गिवन, अभी नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, अब इसका इन्होंने एक्सप्रेशन निकाला है इसी गेट इसका ही एफ एफ आउटपुट, ठीक है, ये है ए बी सी डी, ठीक है, इसका आउटपुट निकाला है, तो देखो यहां से देखो यही था ना, यही है ए बी सी और डी, और ये है यहां से यही है, चलो इसका निकालना है, तो देखो ए बी सी, अच्छा ये कौन सा गेट है नॉट गेट नॉट गेट, इससे क्या निकलता है कॉम्प्लीमेंट कंप्लीमेंट, ठीक है बी का ये चलने दो, ये क्या है ये भी सी है, नॉट तो इस गेट हाँ तो इससे भी कंप्लीमेंट निकलेगा, ठीक है डी ये रहा, अब देखो बी इधर से गया, ठीक यस है सर ए डैश इधर से आया, ये बी गया देखो, और ये कौन सा गेट है और गेट और गेट, और क्या करेगा ऐड करेगा ए डैश प्लस यस बी, सर ए डैश प्लस बी, ठीक है, अब इधर देखो इधर सी है ये सी डैश है, ये कौन सा गया डी डी है, ये क्या हो यस जाएगा सर ये क्या ये हो भी और गेट जाएगा है सर सी प्लस डी डैश, और गेट है तो क्या हो जाएगा सी प्लस डी डी डैश, डी डैश क्या होगा सर हाँ सी डैश प्लस डी हो जाएगा ना, सी डैश ही है और डी इधर, हाँ सर ठीक है बेटा, और देखो
इधर से ये गया, इधर से ये गया, ये कौन सा गेट निकला? एंड एंड। तो एंड का मतलब क्या होता है? डॉट ना डॉट डॉट ए डैश प्लस बी डॉट सी डैश प्लस डी। डी। बताओ, यस सर, बात समझ आई है? अच्छा, यस सर। इधर से देखो, ये गया। अब ये सर, ये कौन सा जा रहा है यहाँ से? ए डैश जा रहा है सर, ये जो बी वाला है सर, ये बी डैश में गया है सर, हाँ, तो अभी बी जा रहा अभी है बी। अभी तो ये आउटपुट निकाला है इसका, ये इसमें हाँ चला गया, ठीक है। यस अब सर। और देख लो, अब ये डी है, डी कहाँ में, किस में गया? इसमें डी, यस सर। ये और गेट है, और और है गेट है, यस सर, एंड है, नहीं और है, और है, और गेट है ये। और है सर। हाँ, और इधर से देखिएगा, बी गया नॉट गेट में, बी डैश निकल के आया, यस सर, इसमें और इधर से ये डी गया इसमें और गेट में और गेट में, ठीक है। तो तो ऐड ये, हो गए। हाँ, तो ये डी हो गया, इधर से बी डैश गया, तो ये ऐड हो जाएगा बी प्लस डी। तो इधर से आउटपुट ये गया, इधर से आउटपुट ये गया, तो एफ क्या हो जाना चाहिए? दिस, अच्छा, इनटू होगा ना ये। डॉट निकलेगा सर इन दोनों का। हाँ, हाँ इनटू, सर, अब तो इनटू हो जाएगा। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है ना। हाँ सर, एंड गेट हाँ है। हाँ तो ए डैश प्लस बी, सी डैश प्लस डी और बी डैश प्लस डी, यस सर, बताए ये आ गया आपको। बताए बेटा, यस सर। इसमें किसी कुछ पूछना है? बहुत आसान है। पूछो भाई, नहीं किसी को समझ में आया तो। हाँ किसी को समझ में ना आया तो पूछो, नहीं तो आगे चले। हाँ, गया उत्तर ये तो आपका लॉजिक गेट वाला हो गया, ठीक है, नेटवर्क है गेट वाला। अब आगे आपका स्विचिंग नेटवर्क, नेक्स्ट है आपका स्विचिंग नेटवर्क। द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट व्हेन एक्स एंड वाई इज इन सीरीज, वो तो हमने पहले बताया था आपको, ध्यान हो। एक्स और वाई अगर सीरीज में है तो डॉट लिखते हैं, ठीक है, और एक्स एंड वाई पैरेलल में है तो प्लस लिखते हैं, ये बताया था आपको, यस सर, ध्यान आया? यस सर। हाँ, अब स्विचिंग में देखो, ये है आपका भाई, ये दोनों पैरेलल है, यस सर, ये भी पैरेलल है, हाँ पैरेलल को सर, एक्स प्लस वाई कर दोगे, एक्स प्लस वाई कर दोगे, फिर ये सीरीज में बन एक्स, जाएगा, ठीक है। ये एक्स प्लस जेड, हाँ, तो यस इन्होंने सर। ऐसे किया है, दी अपर ब्रांच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल नेटवर्क, मैंने बताया ऊपरी ब्रांच, ये दो पैरेलल नेटवर्क आपके मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो पैरेलल नेटवर्क के लिए क्या होगा? पैरेलल के लिए प्लस होगा, तो एक तो एक्स प्लस वाई हो ना, जाएगा, एक तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये एक्स प्लस जेड हो जाएगा, और ये पैरेलल जब दोनों के मिल जाएंगे तो ये दोनों सीरीज में बन जाएंगे, तो सीरीज के लिए क्या आ यस सर, जाएगा? इनटू इनटू आ इनटू जाएगा। डॉट, तो ये जो आपका पूरा है, ये बन गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस चेयर, जेड, ठीक है। द लोअर देखो, द लोअर ब्रांच कंसिस्ट ऑफ वन पैरेलल, एक पैरेलल एंड यस सर, वन वन इन सीरीज, एक कायम है, सीरीज में, एक है सीरीज में, यस सर। ठीक है बेटा। तो अब देखो इसका इसका कैसे बनेगा, देखो ये और ये पैरेलल है, ये सीरीज में है, ठीक, बाई और जेड पहले सीरीज को करेंगे सर, पहले इसे, सर, जैसे जो एक्स वो वाई और जेड है सर, इसको करेंगे पहले या एक्स और वाई को करेंगे सर पहले? इसमें कैसे करेंगे पहले सर, पहले करेंगे? अरे ऐसा करो, ये दोनों पैरेलल में है तो एक्स वाई के पैरेलल है, एक्स जेड के पैरेलल है, ऐसे कर सकते हो हाँ सर, पहले हो जाएगा। वाई इंटू एक्स। जेड प्लस एक्स डायरेक्ट कर लेंगे ना, पहले हाँ, सीरीज वाला ले लेंगे, पहले कौन सा? वाई हाँ, इंटू ऐसे जेड कर लेंगे वाई सीरीज वाले इंटू जेड जेड इन हाँ प्लस, हाँ ऐसा कर लो, बाई डॉट जेड, ये सीरीज में है, यस सर, सीरीज में है ना, बाई डॉट जेड वाई डॉट जेड प्लस एक्स एक्स, तो ये अब पैरेलल वाले प्लस हो जाते हैं, तो एक्स सर, प्लस पैरेलल बाई डॉट जेड हो हो जाएगा। जाएगा। तो अब ये सीरीज में बन गया, इसका जेड के साथ सीरीज ले लो, क्या हो जाता है सीरीज का डॉट इनटू इनटू,
ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो आगे, क्या हो जाएगा ये, अब ऊपर वाले का दोनों सबको जोड़ दो, क्यों यस सर, यस सर, सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा ये एक्स डॉट वाई, एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड, और प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया इसका, क्यों यस सर, कर लोगे बेटा, कर लेंगे सर। यानी एफ आ गया एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई इंटू जेड, इंटीरियर, यस समझ आई बात। सर। आवाज आ रही बेटा? आ रही है सर, हाँ आ रही है यस सर, आ रही है, बताओ। हाँ आ रही है, आ रही है सर। अगला देख लो, ए बी एंड सी रिप्रेजेंट थ्री स्विचेज, तीन स्विच है ठीक है, और इन एन पोजीशन, ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन में है, ए डैश बी डैश सी डैश रिप्रेजेंट द सेम दी स्विचेज इन ऑफ पोजीशन, भाई ए बी सी है स्विच ऑन पोजीशन में और ए डैश बी डैश सी डैश है ऑफ पोजीशन में, कंस्ट्रक्ट ए ऑफ स्विचिंग पोजीशन, सर्किट रिप्रेजेंटिंग द बुलियन एक्सप्रेशन दिस, यूजिंग द लॉ ऑफ बुलियन एलजेब्रा सो दैट द एवर एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू ए सी प्लस बी एंड कंस्ट्रक्ट द इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट, इन्हें सब बना दिया है, पूरा दे दिया है इसमें, एक तो ये कह रहे हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्किट बनाओ स्विचिंग सर्किट, ठीक है यस सर, हाँ सर, फिर उसे ये दिखाओ कि ये इसके इक्वल है ए सी प्लस बी के, क्यों यस सर, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये सिंपल फॉर्म है, देख रहे ये दोनों इक्वल है ये दिखाओ, और फिर ए सी प्लस बी का भी सर्किट बनाओ स्विचिंग नेटवर्क बनाओ, ए यस सी सर, प्लस बी का तो क्लियर है ये तो बना ही लोगे, सर, क्यों ए ओ सी का होने चाहिए पैरेलल नहीं, सीरीज सीरीज में में सर, डॉट है सीरीज में, ना, सीरीज तो में ए ओ सी सर, सीरीज यस में, और बी प्लस हो रहा है तो बी का सर, होना चाहिए पैरेलल में, पैरेलल में, तो यहां लगा दो, तो ये स्विचिंग ये ए सी प्लस बी का बन गया, इसी तरह से इसका और बना दो, फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहले तो इसका बनाना है आपको ए प्लस बी ए डैश प्लस सी और प्लस बी बी डैश प्लस सी का, यस सर, ठीक है, तो देखो प्लस हो रहा है ना, ए और बी ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ए और बी पैरेलल होने चाहिए, यस सर, ठीक है, तो ए और बी पैरेलल कर दिया, यस सर, समझ में आया, अच्छा, हाँ सर, और ये इनटू में ए रुको इनटू, रुको ए डैश प्लस सी, ए डैश प्लस सी प्लस हो रहे हैं इसका मतलब ये भी पैरेलल होने चाहिए, ए यस डैश सर, प्लस सी और दोनों में इंटू हो रहा है इसका मतलब बीच में ये सीरीज होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए डैश प्लस सी, इतना पार्ट आ गया, यस सर, बताओ अब देखो यहां से यस सर, बी डैश प्लस सी प्लस हो रहा है तो ये पैरेलल पैरेलल होना सिस्टम चाहिए में बी आएंगे, बी और सी, ठीक है, और बी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी सीरीज में होना चाहिए, तो ये आ गया, यस सर, और दोनों को ऐड कर दो, यहां से भी इनपुट आएगा आउटपुट आएगा, यहां से भी आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आ जाएगा ये इनपुट है, दोनों को ऐड कर दिया ना, ये आ गया, हाँ सर, भाई ऐड क्यों किया, पैरेलल बनेंगे ना, ये हमारा बन जाएगा ये वाला पार्ट, ये बन जाएगा ये वाला पार्ट, दोनों पैरेलल हो गए तो मैंने ऐड यस कर सर, दिया, ऐड कर दिया, अब सर इक्वल दिखाना है सर, अब अब इक्वल दिखाना है, अब देखो क्या करना है, ए प्लस बी ए डैश प्लस सी और बी बी डैश प्लस सी,
क्या करना है जरा देखो, मल्टीप्लाई करो, एज है ए सी, सिंपल सिंपल एलजेब्रिक जो रूल है, बी एज है बी सी, बी बी जैस प्लस बी सी, बी सी तो ये आ गया, ये बी बी जैस और ये बी सी जैस, दोबारा देखो, ए जैस ए सी हो गया, बी ए जैस बी सी हो गया, यहाँ तक आ गए हम। इसे करेंगे बी बी जैस और प्लस बी सी, ये बी सी होगा बेटा, ये है नहीं क्या, बी सी होगा ना, बी सी रहेगा। चलो अब देखो, यहां से ए सी ये आ गया, बी ए जैस ये आ गया, बी सी प्लस बी सी, एक बार बी सी आ गया, ठीक है, और ए जैस और बी बी जैस 0 हो गए। नेट चलेगा सर को, क्या कह रहे हो, नेट चला सर गया? मतलब नेट चला गया सर आपका, खैर नहीं, आवाज आ रही है, नेट के चला गया। आवाज आ रही है तो नेट क्यों चला गया दामन। सर अभी सर की आवाज नहीं आ रही थी शायद, मैं सोच रहा था सर ये लाइट चली जाती होगी तब दिक्कत हो जाती होगी। हाँ, लाइट चली जाती तब होती है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो ए सी बी ए जेस, यहाँ से क्या किया, कर रहे बी हुए सर, बी स्क्रीन नहीं आ रही जेस, सर, स्क्रीन नहीं आ रही है, रुको नहीं जरा, आ रही सर। अब आ रही है क्यों? यस सर अब आ तो रही है। यहाँ से आ गया, बी कॉमन आ गया, सी प्लस सी जेस, सी प्लस सी जेस बन होता है, ये बी आ गया, ए सी प्लस बी ए जेस, ए सी यहाँ से बी कॉमन ले लो, ए जेस प्लस वन, और ए जेस प्लस वन कितना होगा, वन, ए सी प्लस बी आ गया, ये बताओ। हाँ, मुझे यहाँ एक चीज डिस्टर्ब लग रही है। सर यार सी सी डेस तो है ही नहीं सर, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, यहाँ सी जेस होना चाहिए यहाँ पर। सी डेस नहीं है सर इसमें। हाँ तो सही कर लो ना, यहाँ सी जेस होना चाहिए, मुझे लगता है बी जेस प्लस सी जेस ऐसे होना चाहिए, क्यों? अब चेक करके देखो, ए जेस ए सी बी ए जेस और बी सी, यहां तक ठीक है, बी बी जेस और बी सी जेस, यहां जेस होना चाहिए बेटा, यहां पर कर लेना सही, क्यों? अब सही है। यस सर, हाँ, अब हम सॉल्व करेंगे, देखो, यस सर, ए जैस 0 हो गया, बी बी जैस 0 हो गया, ए सी ये आ गया, बी ए जैस ये आ गया, बी सी ये आ गया, बी सी जैस ये आ गया, सी जैस होना चाहिए बेटा, ठीक, तब सही होगा ये, ए सी प्लस बी ए जैस, बी कॉमन आ गया, सी प्लस सी जैस, सी प्लस सी जैस वन हो गया, बी हो गया, यहां से मैंने क्या किया, ए सी ये रहा, यहां से बी मैंने बाहर ले लिया, ए जैस प्लस वन वन हो गया, ए सी प्लस बी आ गया, ए सी प्लस बी का मैंने आपको ड्रॉ करके बता ही दिया था, कंप्लीट हो गया, यस सर, बताओ बेटा, समझ आया? यस सर, नेक्स्ट देखेंगे, फंक्शनली कंप्लीट सेट्स, इफ सेट्स ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड फंक्शनली कंप्लीट सेट, इफ एंड ओनली इफ एनी बुलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई ऑपरेशन बिलोंगिंग टू द सेट ओनली, ऑल द बुलियन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। अभी बताया था बुलियन एक्सप्रेशन में ये एंड और नॉट होते हैं गेट, देयर फॉर एनी एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑपरेशन, दिस शोज दैट द सेट ऑफ गेट्स एंड और नॉट इज फंक्शनली कंप्लीट। क्या कह रहे हैं कि दिस शोज दैट द सेट ऑफ गेट्स, ये सेट ऑफ गेट्स हैं फंक्शनली कंप्लीट, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट वी कैन एलिमिनेट आइदर एंड और फ्रॉम द सेट
यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, स्टिल ऑब्टेन द फंक्शनली कॉम कंप्लीट सेट ऑफ गेट्स, इट कैन बी शोन दैट द सेट सेट्स एंड नॉट और नॉट, ये है आपका एक्स ओआर एंड गेट एक्स ऑर, ठीक है, नैंड गेट एन ओ आर, ठीक है, आर फंक्शनली कंप्लीट सेट सिंस द एन एन डी एंड एन ओ आर, एन ओ आर होगा, ठीक है, एन ओ आर, नॉर ऑपरेशन अलोंग फॉर्म ए फंक्शनली कंप्लीट सेट, इट इज देयर फॉर पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट यूजिंग ओनली द टाइप ऑफ गेट्स आइदर एन एन डी और नॉर गेट, एन ओ आर, ये एन ओ आर, नॉर गेट, ठीक है, हेंस दीज ऑपरेशंस गेट आर आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल ऑपरेशन ऑफ गेट, बस अभी ये सारे आ जाएंगे आपके, इसमें दो और आएंगे, ये नॉर गेट और ऐड हुआ है और एन एन जी गेट और ऐड हो गया है, और एंड और नॉट को तो जानते ही हो, एक नॉर और एन एन जी, ठीक है, आगे कह रहे हैं सो दैट द सेट एंड कॉमा नॉट इज फंक्शनली कंप्लीट सेट, ठीक है, ए प्लस बी इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो ए को लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, और यस सर, लिख सकते हैं बी हाँ ए प्लस बी, को भी सर। हाँ ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, इसे लिख सो इनवॉल्यू, हाँ इनवॉल्यूशन लॉ, बी इज इक्वल टू बी डैश होता है, ये इन्वोल्यूशन लॉ होता है, इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है, बी इज इक्वल टू बी डैश, कंप्लीमेंट और डिमॉर्गन से क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा ए, तो ए बी डैश का डैश, अब अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आना चाहिए, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट और प्लस बी कंप्लीमेंट, ये आ गया डिमॉर्गन लॉ से, देयर फोर एन और गेट कैन बी रिप्लेस बाई एंड गेट एंड थ्री नॉट गेट्स, अब देखो आपका तुम्हारा जो और गेट था, और गेट क्या था, प्लस ये एंड प्लस था प्लस, इसे हमने काय से रिप्लेस कर दिया, में डॉट से। डॉट से मतलब एंड गेट से, ठीक यस है, सर, और टेस्ट का मतलब नॉट गेट से, क्यों डेस्क का मतलब नॉट गेट। हाँ गैस का मतलब नॉट गेट ही नहीं सर, है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, थोड़ा भूल हाँ गए, सर, हाँ सर, हाँ सर, ये बताया था। हाँ सर, बताया था अभी। बताए भूल गए, ऐसा ये होता हाँ सर, हाँ नॉट गेट, ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं देयर फोर, ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया ऑर गेट को एंड गेट एंड नॉट गेट से, हेंस इन एनी नेटवर्क ऑर गेट कैन बी रिप्लेस बाई एंड एंड नॉट गेट, किसी भी नेटवर्क में ऑर को एंड और नॉट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दस द सेट एंड कॉमा नॉट इज ए फंक्शनली कंप्लीट सेट, दिस डिमॉन्स्ट्रेटेड एज, देख सकते हो एक्स और वाई इनपुट है, नॉट गेट से ये एक्स डैश बन गया, ये वाई डैश बन गया, ये हमने काय में लगा दिया एंड में एंड में, एंड में लगाने से क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा इनका, फिर हमने काय में लगा दिया कॉम्प्लीमेंट इनका कंप्लीमेंट, जो हाँ तो एक्स डैश वाई डैश का कंप्लीमेंट क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश का यस कंप्लीमेंट एक्स प्लस यस वाई, सर, डिमॉर्गन होता है यस ना, सर, हाँ डॉट यस प्लस सर, में चेंज हो जाता है, और इसका कंप्लीमेंट एक्स डैश का कंप्लीमेंट एक्स और बाई डैश का बाई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बाई, ये आ गया, ठीक है, तो यस सर, कंप्लीट कंप्लीट कैसे हुआ, एक्स और बाई और दोनों ऐड होके आ गए एक्स प्लस बाई, यस सर, ठीक है, अटेंडेंस लेना, यस सर। क्या हुआ